आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर, प्रियंका गांधी, आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से प्रियंका गांधी आगे आने की कोशिश कर रही। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग से कूद के दिखा प्रियंका गांधी को रोकते हुए दिल्ली पुलिस और उनका ये दुपट्टा खींचा। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से प्रियंका गांधी का दुपट्टा लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें, हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उनपे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। दो चार लोग रईस हो गए हैं, उनके महल बने हुए हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तरस रही है, तड़प रही है। ये ठीक है क्या? उनको महंगाई इसलिए नहीं दिखती, उनके लिए है ही नहीं, उनके पास पैसा ही पैसा है, जो चाहे जब खरीदे सब्जी खरीद सकते हैं, दाल आटा चावल सरसों का तेल सब कुछ महंगा हो गया। गैस सिलेंडर किस लिए उठा के ले जा रहे हैं हम, क्योंकि नहीं दिख रही है ना महंगाई। देखिए ये सिलेंडर कितना महंगा हो गया कि कोई खरीद ही नहीं सकता। मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमें दिल्ली के नजफगढ़ में, क्योंकि महंगाई को लेकर कांग्रेस ने भारी प्रदर्शन किया और लगातार वो प्रदर्शन विरोध प्रदर्शन जो करते आ रहे हैं, और आज इनको प्रियंका गांधी राहुल गांधी सभी को डिटेन कर लिया गया है। और उत्तराखंड के पूर्व चीफ मिनिस्टर हरीश रावत जी को और सांसद उदित राज जी को और राजेश लिलोठिया जी और कमांडो सभी को यहां पर नजफगढ़ के थाने में जो है वो डिटेन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहां नजफगढ़ का थाना है और यहां पर इन सभी को और कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। शाम का वक्त हो चुका है, अभी तक इनको छोड़ा नहीं गया। तो चलिए इसे, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कभी भी उपभोक्ता वस्तु नहीं खरीदी, जो सामान्य व्यक्ति के उपभोग की चीजें थी उसके दाम नहीं बढ़ रहे थे। ये हाल आटा चावल दाल नमक नहीं छोड़ा इन्होंने, नमक नहीं छोड़ा। आलू और प्याज गरीब का वो था, दाल ये इन्होंने, उनके दाम जो है दुगने हो गए। जिस दाम पर 2014 में खरीद ली जाती थी उससे दुगना हो गया। ये देखो आज महंगाई की बात कर रहे हैं तो ये कुछ और सवाल ले आते हैं, ऐसे सवाल ले आते हैं, जनता का ध्यान थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ये एक प्रकार के मार्केटिंग, ध्यान हटाओ मार्केटिंग के विशेषज्ञ हैं भाजपा के लोग। लेकिन कब तक बकरे की माँ खैर बनाएगी, एक दिन तो पेट की आवाज़ बुलंद होगी। और हम उम्मीद करते हैं कि लोग इस लड़ाई में, हम ये नहीं कह रहे हैं वोट दूँ। कांग्रेस पार्टी ने हल्ला बोल कार्यक्रम पूरे देश भर में चलाया। कांग्रेस पार्टी विपक्ष के अंदर है और विपक्ष का एक जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है कि लोगों की समस्या को प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाने का काम करे। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार विपक्ष की आवाज़ को सुनना नहीं चाहता। मोदी सरकार किसी भी सूरत के अंदर लोगों की दर्द को समझना नहीं चाहता और कांग्रेस पार्टी इस तरीके की आवाज़ उठाने के लिए अलग अलग मुद्दों पर हमेशा सड़क से लेकर संसद तक आवाज़ उठाती रही है। राहुल गांधी जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उनको पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें इसके ऊपर, महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करने के लिए समय दिया जाए, वहाँ पर समय नहीं दिया गया। हम लोगों ने एक एजिटेशन रखा, वहाँ पर पुलिस की
कम से कम 3000 से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट थी और वहाँ पर पुलिस के लोग वहाँ पर खड़े होकर हमारे लोगों को घसीट रहे थे, मार रहे थे कि हम लोगों की आवाज़ ना उठा सकें। लेकिन मैं बड़े साफ तौर पे बताना चाहता हूँ, इस सरकार को बताना चाहता हूँ, जो हिटलर के अंदाज के अंदर ये सरकार चल रही है, जो फासिज्म के स्टाइल में सरकार चल रही है, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का इतिहास देश की आज़ादी से लेकर देश के निर्माण, देश के विकास और आज तक देश, भारत देश अगर हमारा विश्व के अंदर एक स्थान बना के रखा है तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का खून उसके अंदर शामिल है। और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग मुद्दों के ऊपर लाकर लोगों को भ्रमित करना चाहती है। कभी वो तिरंगे झंडे का एक शगुफा छोड़ देते हैं, तिरंगा झंडा जिनके आरएसएस के हेडक्वार्टर्स के अंदर आज़ादी से लेकर अभी तक वो झंडा कभी उन्होंने नहीं फहराया। मोहन भागवत हो चाहे वो कोई आरएसएस के है, वो लोग उसको संविधान को जलाते रहे हैं लोग और मनुस्मृति को लागू करने की मांग करते रहे हैं। तो ये कैसे देश के अंदर ये देशभक्त हो सकते हैं? कांग्रेस पार्टी ने तो इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए शहादत दी, कुर्बानियां दी हैं। उसी तरीके से अग्निपथ लेकर आए नौजवानों के लिए, उनके भविष्य को जलाने का काम किया, उसको अंधकार में डालने का काम किया। जब लोगों ने, बच्चों ने आवाज़ उठाई कि उनके भविष्य को क्यों जलाया जा रहा है, क्यों अग्नि में डाला जा रहा है, तो उनके ऊपर मुकदमे डाला दिया। आज हजारों की तादाद के अंदर बच्चे जेलों के अंदर पड़े हैं। तो ये सब बातें पूरे देश के अंदर जिस तरीके से चल रही हैं, इतिहास में पहली बार, पूरे विश्व के अंदर पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके पेंसिल के ऊपर, कॉपी के ऊपर, उनके दूध, मक्खन, घी के ऊपर GST लगा दिए। कई नेताओं को, अभी हरीश रावत जी हमारे साथ बैठे हैं, उनको चोट लगी, मुझे चोट लगी, मेरे को जिस तरीके से उन्होंने घसीट के लेकर गए, लेकिन हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं और ये आवाज़, ये संघर्ष हम हमेशा जारी रखेंगे क्योंकि हम लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं। और उस योजना में बना करके, जैसा कि गोलवलकर ने कहा था कि अगर इस देश के अंदर हुकूमत करना है तो मेजॉरिटी लोगों को गरीब बना करके और उनको उपेक्षित वंचित बना करके रखना, उसी तर्ज पर चल रहे हैं ये लोग कि संविधान ख़त्म करना चाहते हैं और अन्य पार्टियों को ख़त्म करना चाहते हैं और ताकि कुछ अमीर रह जाएं और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो मनवादी तबका है वो देश के खुद पर हुकूमत करे। लेकिन हम लोग झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लड़ते जाएंगे।